देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त प्रदूषण की चपेट में है, लेकिन इस बार दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय वजीरपुर पहुंचे और ड्रोन मैपिंग की शुरुआत की। बता दें कि दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट में से एक वजीरपुर में प्रदूषण को कम करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि अगर ये सफल रहा तो इसी तरह से प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी कड़ी में गोपाल राय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर्दियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान हमने घोषित किया था। उस विंटर एक्शन प्लान में डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ियों के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बायोमास बर्निंग के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारे 13 हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर सामान्य जो AQI का स्तर है दिल्ली में, वहाँ से ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर रहता है। इसलिए इस बार हमने ये निर्णय लिया था कि हॉट स्पॉट का ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग का पायलट हम करेंगे और उसी के तहत आज वजीरपुर जो हमारा 13 हॉट स्पॉट्स हैं उसमें से एक हॉट स्पॉट है, यहाँ पर आज ये सर्वे ऑफ इंडिया के पैनल एजेंसी के द्वारा ड्रोन का पायलट किया गया है। इस ड्रोन का जो पायलट किया गया है इसका जो मकसद है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से आसमान से जगह 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 जो भी प्रदूषण पैदा करने वाले सोर्स हैं उनको चिन्हित किया जाए और उसके अनुसार अपनी कार्ययोजना फोकस तरीके से बनाई जाए। ये जो ड्रोन है वजीरपुर जो हॉट स्पॉट्स है 200 मीटर के रेंज में जो है वो आज अलग अलग इलाके में, जो मोहल्ले में, अलग अलग क्षेत्र में जो पोल्यूशन के सोर्स हैं उनकी वो तस्वीरें लेगा और उन तस्वीरों के माध्यम से हम आगे DPCC और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लोग एनालाइज करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसकी जो हाइट है ये 120 मीटर ऊंचाई पर जा करके जो है ये सारा मॉनिटरिंग का काम कर रहा है, जिससे कि वजीरपुर जो ये क्षेत्र है इसमें कहीं ऊपर आसमान में किसी बिल्डिंग से जो है कोई टकराव ना हो, इसलिए इसकी हाइट 120 मीटर जो है वो सेट की गई है। और मुझे भरोसा है कि जो ये नई टेक्नोलॉजी आई है इस हॉट स्पॉट्स पे अगर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो हमें और भी जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ इसको लगाने में हमें आसानी होगी और जो प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई है उसे और मजबूत होगी।